नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह है CUET PG एग्जाम का फॉर्म भरने का लिंक क्या है, इसके परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप आखिरी तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वह लिंक क्या है जहां से हमको अप्लाई करना है CUET PG हिंदी या किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए। तो ये आप मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, गूगल क्रोम आप ओपन कर लेंगे, यहां पर आपको लिख देना है CUET PG। तो चूंकि इसका पोर्टल बदल चुका है, यहां आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाले पोर्टल में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है samarth.ac.in। आप देख लीजिए आपको कहां पर क्लिक करना है, samarth.ac.in, ये जो दूसरा लिंक है यहां पर आप क्लिक करेंगे। इस पोर्टल में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आप इसके पोर्टल में पहुंच जाते हैं CUET PG 2014। ये हो गया आपका। इसके बाद यहां पर ये पब्लिक नोटिस है, ये नोटिस पब्लिश हुआ है इसका एग्जाम के बारे में, 26 दिसंबर 2023 का यह नोटिस है, यह आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2014। और इसमें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स थ्रू वेबसाइट कब है, 26 दिसंबर 2023 से यह चालू होगा और 24 जनवरी 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब आप फीस कब तक जमा कर सकते हैं, 25 जनवरी 2024 को आप 11:50 PM तक जमा कर सकते हैं। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली, अगर आपको कुछ करेक्शन करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तब आप 27 जनवरी से 29 जनवरी के दौरान 11:50 PM तक कर सकते हैं। एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन 4 मार्च 2024 तक आपको मिल जाएगी। और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट, NTA वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड 7 मार्च 2024 तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका होगा 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 के दौरान, अलग अलग 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। आंसर की चैलेंजेस, आंसर की में यदि कोई आपको आपत्ति हो तब आप 4 अप्रैल 2024 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ड्यूरेशन एंड शिफ्ट, यह परीक्षा कितने समय की होगी, परीक्षा का समय है 1 घंटा 45 मिनट अर्थात 105 मिनट, और यह परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पर आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। एक खास परिवर्तन इस साल किया गया है वह है, पहले आपकी परीक्षा 2 घंटे की होती थी 120 मिनट की, उसे घटाकर 104 मिनट कर दिया गया है। एक और बदलाव किया गया है, पहले 100 प्रश्न आता था इस परीक्षा में जिसमें 25 प्रश्न सेक्शन ए जो होता था वो जनरल अवेयरनेस वगैरह होता था, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस इत्यादि होता था, उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ आपको जो सब्जेक्ट, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे आप एमए हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो खाली हिंदी के प्रश्न आपके रहेंगे 75 प्रश्न। आगे मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो ये आप नोटिफिकेशन आप जाकर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। तो ये तो हो गया हमारा पब्लिक नोटिस, इस वेबसाइट पर आप जरूर जाएं, इसे ध्यान से पढ़ लें, यह मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। इसके बाद यह इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन करें, यहां पर जाकर आप पूरा पढ़िएगा डिटेल में, मैं आपके काम की बात यहां पर बता देता हूं ताकि समय आपका कम खर्च हो मेरे साथ। यहां पर फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है, यहां पर आप जाकर देख सकें, फीस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं बेसिकली जो डालूंगा पैटर्न और एग्जाम का जो कैसे तैयारी करना है उस पर, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है वेबसाइट में, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना है तो 27 से 29 के बीच कर सकते हैं, बाकी बातें आपको मैं बता चुका हूं। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा 105 मिनट, और यह परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, Shift 1, Shift 2 और Shift 3, बाद में बताया जाएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यह आपके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा, जो कि आपको एडमिट, आपको कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो वेबसाइट पर आते रहेगा, आपको यहां पर जाकर देखना है, मैं आपको काम की चीजें बता देता हूं।
इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं क्या क्या जानकारी आपके काम की है। अब एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है, यह हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा, परीक्षा की योजना क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा कैसे होगा, कैसे होगी, सीयूईटी पीजी 2014 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पर आधारित यह परीक्षा होगी। किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होंगे, वहां पर आपको एग्जाम आपसे लिया जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर सीयूटी पीजी 2014 विल बी इंग्लिश एंड हिंदी बायलिंगुअल, मतलब आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस में इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी है तो हिंदी में रहेगा, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वे बायलिंगुअल रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में। एम टेक हायर साइंसेस एंड आचार्य पेपर्स एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, बुद्धा दर्शन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये अलग अलग मामला इस हमारे काम का नहीं है। प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन इन ऑल द क्वेश्चन पेपर द इंग्लिश वर्सन विल बी टेकन एज फाइनल एक्सेप्ट इन लैंग्वेजेस एंड साहित्य पेपर्स, मतलब जहां पर भी आपको प्रश्न पत्र में कोई डाउट होता है, कोई त्रुटि नजर आती है, तो जो अंग्रेजी भाषा में जो लिखा हुआ है वह उसको फाइनल माना जाएगा, प्रामाणिक माना जाएगा, भाषा और साहित्य के प्रश्न पत्रों को छोड़कर। यह स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह इस बार बदल चुका है। पहले यह परीक्षा 2 घंटे की होती थी जिसमें 100 प्रश्न होते थे और जो 25 प्रश्न होते थे वे जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग इत्यादि के होते थे, उसको हटा दिया गया है। अब यह परीक्षा केवल 75 प्रश्नों के लिए होगी जिसमें केवल जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप एमए हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 75 प्रश्न पूरी तरह से हिंदी के होंगे और इससे डायरेक्ट आपको केवल हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है। यह आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है साहित्य के छात्रों के लिए। आपको यह कैसा लगा जरूर बताइएगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब देखिए पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, पैटर्न। एक बच्चे ने मुझे पूछा था सर सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल में बता दीजिए, तो मेरे मन में यह बात है कि क्यों ना मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बता देता हूं, क्योंकि मैं इसकी कंटिन्यू तैयारी कराऊंगा, तो आपके अपने मित्रों को भी बता दें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लोगों से मेरी यह भी शिकायत है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और हार्डली यहां पर 6000 सब्सक्राइबर है मेरे, जबकि मैं 2 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूं और हाई क्वालिटी के कंटेंट आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। खैर ये कोई मैटर नहीं है, मैं अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हूं और मैं आपको कंटिन्यूअसली क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराता रहूंगा। जो कंटेंट यहां पर आपको पीडीएफ के रूप में मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा वह मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा हमेशा फ्री में। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि मैं निस्वार्थ भाव से सब कुछ आपको उपलब्ध करा रहा हूं, इसलिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ना भूलें। और अगर यहां तक आप देखते हुए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर का, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट न रहे। कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स लिस्ट मेंशन बिलो, 4 क्वेश्चन पेपर आप चूज कर सकते हैं, आपको इसको डिटेल में जाकर देखना है। अभी हमको मतलब हिंदी से है। कई बार छात्र पूछते हैं कि दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, तो आप डिटेल में जाकर पढ़ लीजिए। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर, पहले जो 25 प्रश्न आते थे जनरल अवेयरनेस के वे अब शामिल नहीं है, उसे हटा दिया गया है। द कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट, द कम्प्रीहेंशन पार्ट ऑफ दीज पेपर वुड बी इंग्लिश और हिंदी एज चूजन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो आपको जो 75 प्रश्न है उसी में उसको शामिल कर लिया गया है दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वुड बी ऑफ 105 मिनट्स, पहले यह परीक्षा 2 घंटे की होती थी 120 मिनट की, अब यह होगी 105 मिनट की, यह परीक्षा होगी केवल 105 मिनट की, 60 + 45। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस, परीक्षा में आपके केवल 75 प्रश्न होंगे। बाद में मैं सिलेबस पर आता हूं और आपको बताऊंगा कि परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 75 प्रश्न होंगे और पूरे हिंदी साहित्य से संबंधित होंगे, जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है उसी सिलेबस को आपको तैयार करना है। ज्यादा बेकार का टेंशन लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। 4 मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो यहां पर माइनस मार्किंग है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क वुड बी अवॉर्डेड, मतलब प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और गलत यदि आपने उत्तर मार्क कर दिया तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 75 प्रश्न मतलब आपका हो गया कितना, हो गया नंबर आपका हो गया 400 अंक, कुल अंक हो गए आपके 400 अंक, ठीक है, डेढ़ है ना, 75 = 1.5।
नहीं क्षमा चाहता हूं, 75 300 अंक हो गए, क्षमा चाहता हूं मैं इस पर। तो आपके 75 प्रश्न है और कितने अंक हो रहे हैं आपके, 4 अंक। तो 75 × 4 आपका हो गया 300 हो गया। तो टोटल 300 अंक है ना, 25 तो हटा पहले हटा दिए हैं प्रश्न, तो ये आपका कुल कितना अंक हो गया आपका, 300 अंक हो गया यहां पर इसके हिसाब से, है ना, 75 क्वेश्चन। लैंग्वेज पेपर विल बी इन कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक विच विल बी इन इंग्लिश। लैंग्वेज पेपर जो आपका लैंग्वेज है उसी में होगा, इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश तो इंग्लिश में होगा, बाकी हमारे काम का नहीं है। और बाकी पेपर एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट। एग्जामिनेशन कितने शिफ्ट में होंगे, 3 शिफ्ट में होंगे, ठीक है ना। और बाकी क्या है, यहां पर कुछ काम का नहीं है। द सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर कोड्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो सिलेबस आपको कहां पर मिलेगा, वेबसाइट पर मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। और हिंदी भाषा का कोड यहां पर दिया हुआ है, कहां पर दिया है, हिंदी का कोड, लैंग्वेजेस का मैं आपको दिखा देता हूं। लैंग्वेजेस का कोड हिंदी का है, आपका कोड यहां पर दिया होगा जीए, हिंदी लैंग्वेज अभी दिखा देता हूं मैं आपको, यह है हिंदी LAQP02, यह हिंदी का कोड है जो दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे, ठीक है, मैं आपको आपको सिलेबस दिखाऊंगा। तो आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे, इस वेबसाइट को आप विजिट करिए और इसका लिंक मैं नीचे भी दे दिया हूं। बाकी कुछ हमारे काम का नहीं है, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, अब मैं आपके आता हूं, सिलेबस को दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो 75 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सही उत्तर में 4 मिलेंगे आपको। और अब आते हैं मैं सिलेबस जो बच्चे पूछ रहे थे, सिलेबस तो ये देखिए सिलेबस, और अभी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज। कुछ छात्र बोल रहे, देखिए असम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सारे यूनिवर्सिटीज हैं यहां पर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है, अभी दिखा देता हूं आपको, आप देख लीजिए, बने रहिए। कुछ छात्र चिंतित हो रहे थे, मुझे बता रहे थे कि सर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU इसमें शामिल नहीं है, तो आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं ताकि आपको पता भी चल जाए। थोड़ा सा बने रहिए, थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो आपके काम की चीज है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है इंडियन, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा छात्र भर्ती उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली विश्वविद्यालय तो है ही, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय है इसमें, तो यह सब पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी तैयारी है और आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस यहां पर दिए हुए हैं, हमको हिंदी का सिलेबस यहां पर देखना है। और लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, और आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप वेबसाइट पर जाकर देखें या मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं हिंदी, ये हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा, एक छात्र ने मुझे पूछा था कि सर हिंदी का सिलेबस क्या है बता दीजिए, तो मैं सोचा कि पूरा डिटेल में ही क्यों ना आपको जानकारी दे दूं ताकि आपके मन में कोई भ्रांति ना रहे, क्योंकि इस बार पैटर्न बदल चुका है। यह हिंदी का कोड है, हिंदी LAQP02, यह हिंदी साहित्य का कोड है। अब सिलेबस फॉर हिंदी LAQP02 या तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया नोट में, द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। सभी प्रश्न आपके सब्जेक्ट पर आधारित होंगे, जैसे हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य के ऊपर बेस्ड होगा, अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी साहित्य के ऊपर बेस्ड होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न कंपलसरी हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी, हिंदी भाषा है तो हिंदी में इसका पेपर होगा, 75 प्रश्न होंगे और निगेटिव मार्किंग मैं आपको बता चुका हूं। हिंदी LAQP02, इसका सिलेबस क्या होगा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ये जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूं सब पर मैं पूरा सीरीज लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए मेरे चैनल का। मैं चाहता हूं कि हर छात्र जो मेरा लेक्चर देखे वह CUET परीक्षा में, इसमें जो PG में एडमिशन ले अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में, और उनको किसी भी प्रकार की कोई खर्च करने की जरूरत ना हो, किसी भी कोचिंग क्लास में एडमिशन लेने की या बेवजह पैसा खर्च करने की आवश्यकता ना हो, मैं उस हर छात्र तक पहुंचना चाहता हूं
उसको फ्री एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, जो बहुत ही मेधावी हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, मेरे कंटेंट हमेशा फ्री रहते हैं, मैं पीडीएफ भी आपको देता हूं, और जहां पर मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं कराऊंगा तो वो मेरे कंटेंट आपको मेरी वेबसाइट हिंदी www.hindishikhar.com और www.hindiadab.com पर मेरे कंटेंट हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो मैं आपके लिए क्या क्या करता हूं, YouTube में वीडियो बनाकर आपको समझाता हूं, आपको मैं पीडीएफ भी देता हूं कंटेंट, उसके बाद मैं वेबसाइट पर भी आपको कंटेंट उपलब्ध कराता हूं, और जब भी मुझसे आप कोई प्रश्न पूछते हैं मैं आपको तुरंत YouTube में जब आप कमेंट डालते हैं तो मैं इसका जवाब भी देता हूं। ये आप सबको पता है, मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है कि, और हमेशा आपसे जुड़ा रहता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, यदि आप मुझसे संवाद करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल के मेंबर बनिए, और उसके बाद आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं तुरंत आपका जवाब देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप लोगों की सफलता ही मेरी सफलता है, ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। तो इसका सिलेबस क्या है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, मैं पूरा कंटेंट लेकर आऊंगा लेकिन आपकी मेहनत ज्यादा जरूरी है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की जहां तक बात है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसे आप एक या दो बार तो बहुत गंभीरता से पढ़ लीजिए। समझ नहीं आता कोई बात नहीं, आप डिक्शनरी देखा करिए, बाकी आप उसको जरूर पढ़ लें, एक बार तो पढ़ ही लें। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां, ये सभी मैं एपिसोड लेकर आऊंगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के कौन कौन से इतिहास लिखे गए, कब लिखे गए और किसने लिखे, इनका आपको ईयर भी याद रखना है, क्योंकि आजकल परीक्षा में यह पूछा जाता है, उनका ऑर्डर क्रमबद्ध ढंग से आपको बताना पड़ता है। प्रमुख रचनाकार, रचनाकार को उनके जन्म के तारीख के आधार पर, जन्म के वर्ष के आधार पर आप ध्यान में रखें, जैसे छायावाद के चार कवि हैं, है ना, प्रसाद पंत, निरालन, महादेवी वर्मा, तो कौन सबसे सीनियर है, कौन सबसे जूनियर है, कौन सबसे ज्यादा आयु के रहे और सबसे कम आयु के कौन रहे, वैसे ही आपको नाथ में, सिद्ध में, सब में आपको ध्यान में रखना है, मतलब उनके जन्म के आधार पर आपको व्यवस्थित तरीके से रखना है। और इनकी रचनाओं की जहां तक बात है तो रचनाओं का क्रम, कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई, जैसे गोदान कब प्रकाशित हुई, मैलांचल कब प्रकाशित हुआ, राग दरबारी, ऐसे मैं आपको खाली उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो रचनाकारों का क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हिंदी साहित्य के विविध विधाएं एवं रचनाकार, जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है और अन्य गद्य विधाएं हैं, तो कौन सी गद्य विधा रेखा चित्र है, कौन सा संस्मरण है, कौन सा यात्रा विवरण है, कौन सा रिपोर्टाज है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, एक ही लेखक, एक ही कवि के विभिन्न रचनाएं कब प्रकाशित हुई, जैसे महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, किताबें हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, तो इसको आपको उनके ऑर्डर में ध्यान रखना है। इसके बाद प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप, प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है, जो सरकारी कामकाज की भाषा है, जो पत्रकारिता की भाषा है, जो कानून की भाषा है, जो मीडिया की भाषा है, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जब हम हिंदी को विशिष्ट विशेष उद्देश्यों के लिए हम प्रयोग में लाते हैं तब उसे हम कहते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम कहते हैं प्रयोजनमूलक भाषा अथवा प्रयोजनमूलक हिंदी। तो प्रशासनिक भाषा का स्वरूप अलग होता है, आम बोलचाल की भाषा अलग होती है, विधि के क्षेत्र की भाषा अलग होती है, मीडिया के क्षेत्र की भाषा अलग होती है, विज्ञापन की भाषा अलग होती है, तो यह सब आपको ध्यान में रखना है। और जो अभी बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, जैसे दिल, ये दिल मांगे मोर, और भी बहुत सारे विज्ञापन, उनको ध्यान में रखना है कि वो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट का क्या विज्ञापन है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। जनसंचार माध्यम में हिंदी, जनसंचार माध्यम यही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को हम बोलते हैं जनसंचार। समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो एवं टेलीविजन में हिंदी, तो इसको पूरी तरह अच्छे तरीके से तैयार होना है, जैसे विविध भारती क्या है, विविध भारती कब उसका निर्माण हुआ, विविध भारती का नाम ऑल इंडिया रेडियो है क्या, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। निश्चित रूप से आप परीक्षा में जरूर सफल होंगे। मैं आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा और मैं आपको वन लाइनर नोट्स भी यहां पर उपलब्ध कराऊंगा, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा ताकि आप लेके, मतलब आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे। आपसे एक और गुजारिश है, मेरा कोई भी आप एपिसोड मिस मत करिए, इसको लाइटली लेने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं सिर्फ आपका मेंटर हूं, मैं आपका गाइड हूं, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा, सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे बड़ी भूमिका है वो आपकी है,
इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप मेरा हर वीडियो शुरू से अंत तक देखें और इसे इग्नोर ना करें यदि वास्तव में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो और पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं तो। और उसके बाद तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको पता है कि पीजी में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपके सिलेबस को मैं अच्छी तरीके से डील करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी ये यात्रा केवल आपकी यात्रा नहीं है, मेरी भी यात्रा है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे छात्र सफल हों और मैं भी सफल हूं। इसके बाद भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र में पर्याप्त पढ़ा चुका हूं आपको, उसके बाद भी मैं वन लाइनर नोट्स लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। शब्द शक्ति क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है एवं काव्य लक्षण क्या है, पहले हम इसको पढ़ेंगे वन लाइनर नोट्स के रूप में और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में कुछ लिमिटेड चैप्टर्स को शामिल किया गया है जैसे संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास। तो ये जो चीजें हैं तो निश्चित रूप से आप मेरी बात समझ चुके होंगे और आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करते रहिए और आपको कोई समस्या है तो आप बेझिझक यहां पर आप में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई है कल से मैं फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूं। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो मेरा फर्स्ट वीडियो ज्यादा आप लोग देख नहीं रहे हैं वह है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं कि भारतेंदु काल की कौन सी पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं द्वैध युग में, भारतेंदु युग, द्वैध युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग में कौन सी पत्र पत्रिकाएं कहां से प्रकाशित हो रही थी, कौन प्रकाशित कर रहा था, कौन संपादक थे, कब शुरू हुई, इसका मैं वीडियो डाल दिया लेकिन लोग देख नहीं रहे, आप लोग उसको जाकर देखिए। तो मैं आपसे बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप इसको इग्नोर मत करिए। फ्री में जब बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलती है तो कई बार हम लोग क्या है उसका महत्व तो नहीं समझते हैं। और आप बहुत सारे कोचिंग क्लास वाले इस पर कोचिंग भी चलाएंगे सीयूटी पीजी में एडमिशन के लिए, कई यूट्यूब वाले बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशन आएंगे और यूट्यूब में ऐड आएंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन ले लो। मुझे मेरे हिसाब से कुछ आपको जरूरत नहीं है, आप स्वयं तैयारी करिए और मेरा इसको देखते रहिए, ठीक है ना। तो यदि मेरा आज का एपिसोड आपको वास्तव में अच्छा लगा होगा तो आपसे दो गुजारिश है, मेरी दो तीन गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट। एक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरा आप मित्रों के साथ शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलें, और तीसरा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा। इसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी, मैं रोज वीडियो अपलोड करूंगा ये तो नहीं कर सकता, एक आध बीच में गैप हो सकता है, लेकिन ये सिलेबस मैं पूरी गंभीरता से पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें, लेकिन आप भी निश्चित भाव से पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।